जयदिगा पार्टी ने आज राष्ट्रपति महोदय के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा, कहा कि भाजपा सरकार द्वारा ये जो नई शिक्षा नीति व श्रम नीतियां में तमाम तरह की खामियां हैं और यह नीति बिल्कुल जन विरोधी नीतियां हैं। मनोज कुशवाहा, जिला महामंत्री, जनता पार्टी आगरा। जी मनोज जी, किस संबंध में आज सरकार की नीतियों को लेकर के हमने जनता पार्टी के नेतृत्व में ज्ञापन महोदय को दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं जो सरकार के आरक्षण नीतियों को लेकर के पिछड़े या दलितों के साथ जो भेदभाव कर रही है उनके लिए जनता पार्टी काफी समय से आंदोलन करती आ रही है और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। सरकार हमारी मांगें पूरा नहीं करती, जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आंदोलन करने के लिए अग्रसर रहेगी। हम जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ में ज्ञापन देने आए हैं। जैसे शिक्षा नीति लागू की गई है और किसानों का बिल पारित किया गया है और जो डीजल पेट्रोल के बढ़ती हुई कीमतें और जो बेरोजगार हमारे नौजवान घूम रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और जो किसानों को दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पा रही हैं और जो पिछड़ा वर्ग और एस सी वर्ग के जो छात्रवृत्ति है मेडिकल में वो शून्य कर दिया गया है। इन आदि 13 मांगों को लेकर आज हमने डीएम साहब के द्वारा राज्यपाल महामहि और राष्ट्रपति महामहि को ज्ञापन के लिए दिया गया है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी जनता पार्टी की टीम इसी तरह से ज्ञापन देती रहेगी और आगे हम लोग लड़ाई जनता के हितमें लड़ते रहेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।